नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पॉकेट टॉक। थैंक यू। आईडी सिलेक्टर में आईडी सेमेस्टर भी असाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की आईडी ब्लैक है तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो मेरे पास एच वन है अगर उसकी आईडी मेरे पास ब्लैक है तो उसका फॉन्ट कलर चेंज हो जाए। इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लेंगे। मैं कह देती हूँ इसकी आईडी ब्लैक रख देते हैं। मैं कह देती हूँ दिस पैराग्राफ इज फॉर आईडी सिलेक्टर। अब जिन जिन पैराग्राफ्स की जो आईडी है वो ब्लैक होगी उनका जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो जाएगा। मेरे पास बाकी पैराग्राफ्स होंगे उनका फॉन्ट का कलर चेंज नहीं होगा। और मेरे पास जिसकी आईडी ब्लैक थी उसका जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज हो गया। बाकी जितने भी पैराग्राफ्स हमारे पास लिखे थे उनका फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका है कि अगर पेरेंट एलिमेंट अगर उसकी आईडी ब्लैक है और उसके अंदर अगर हमारे पास हेडिंग टू एग्जिस्ट कहीं पे कर रही है तो उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर दूंगी। यानी कि कोई भी पेरेंट एलिमेंट जिसकी आईडी ब्लैक है और अगर उसका उसके अंदर हेडिंग टू एग्जिस्ट कर रही है तो उसका कलर चेंज कर दूंगी, अदरवाइज उसका कलर चेंज नहीं करना। इस चीज को भी देख लेते हैं। मैं कह देती हूँ मेरे पास ये आईडी है ब्राउन और उसमें मैंने हेडिंग 3 रखी हुई है, उस वक्त उसका कलर जो है वो ब्राउन कर दें। यहाँ पर मैं इसकी आईडी दे देती हूँ ब्राउन और यहाँ पर मैं दे देती हूँ आईडी सिलेक्टर और इसमें मैं दे देती हूँ हेडिंग 3। और पैराग्राफ दे देती हूँ साथ। इस स्टेप में मैंने आईडीज की ब्राउन रख दी और इसमें मैंने हेडिंग 3 दे दी है और साथ ही एक पैराग्राफ लिख दी है। तो अब जो इसकी अब इसकी इस आईडी की जो थी ये जो हेडिंग थी इसका जो बैक जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्राउन हो गया लेकिन जो पैराग्राफ का कलर है वो ब्लू ही रहा है। तो जो हमारे पास एलिमेंट्स जिनकी आईडी अब यहाँ पर ब्राउन होगी और अगर उनमें जो हमारे पास हेडिंग थी है वो एग्जिस्ट कर रही होगी तो उनका जो फॉन्ट का कलर होगा वो ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर की अगर किसी पेरेंट सिलेक्टर के अंदर कोई चाइल्ड सिलेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि डायरेक्ट चाइल्ड उसका एग्जिस्ट कर रहा है और उसके ऊपर स्टाइलिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए चाइल्ड सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर नेव के अंदर नेव बार यानी कि जो नेव एलिमेंट है उसमें अगर एंकर टैग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसका जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड कर दें और कलर उसका ग्रीन कर दें। तो यहाँ पर एंसेस्टर यानी कि जो उसका पेरेंट सिलेक्टर है वो है नेव और जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है वो है एंकर टैग और चाइल्ड सिलेक्टर में जो रिलेशनशिप क्रिएट करे वो ग्रेटर देन साइन क्रिएट करेगा। इस चीज को भी चेक करते हैं। इसके लिए कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो हमारे पास लिस्टेड आइटम्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज कर दें।
ये डिफरेंट इसकी आइटम्स क्रिएट कर लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्टेड आइटम्स है। आइटम्स और इनका जो कलर है वो फॉन्ट फील्ड जो है वो बोल्ड कर दें और वेट बोल्ड कर दें और कलर उनका ग्रीन कर दें। मेरे पास इनका फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड हो गया और जो कलर है वो ग्रीन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर कि अगर किसी एलिमेंट के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रही है तो उसके लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया कि इनपुट जो हमारे पास टैग है उसकी जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या कर लिया है एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट नेम बताएंगे देन स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और फिर उसके एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू यानी कि एट्रीब्यूट की किस वैल्यू के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं इस चीज को भी चेक करते हैं। इसके लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। और इसमें दे देते हैं इनपुट type is equals to text और name is equals to first name और इसका label दे देंगे first name। इसी तरह एक और जो है input का tag create कर लेंगे dear tense से break करते हैं और एक और field create कर लेते हैं password की। इसमें कह देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड और नेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड। इसको ब्रेक कर लेंगे और इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं कह देती हूँ मेरे पास इनपुट टैग है उसमें जो मेरे पास टाइप जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो चेंज कर दें। इसकी बॉडी स्टार्ट करने में देंगे जिसका जो कलर है वो येलो कर दें। तो अब जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी इनपुट की उसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे मैं देती हूँ तो मेरे पास ये येलो में आ रहा है लेकिन जब मैं टेक्स्ट लिखती हूँ पासवर्ड लिखती हूँ तो पासवर्ड मेरे पास येलो में नहीं आ रहा क्योंकि इस फील्ड की सिर्फ टाइप टेक्स्ट है तो इसलिए उसका जो टेक्स्ट है वो येलो हो गया। नेक्स्ट है ग्रुपिंग सिलेक्टर की अगर हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हो तो उनके लिए ग्रुपिंग सिलेक्टर को यूज करेंगे यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम सेम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ग्रुपिंग सिलेक्टर को यूज करेंगे। इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं H1 H2 पेज में जितनी भी मेरे पास हेडिंग्स हैं उनका जो फॉन्ट फैमिली है उनकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होते हैं। टेक्स्ट लाइन जो है वो सेंटर हो जाए और उनकी फॉन्ट फैमिली वो एरियल हो जाए और फॉन्ट साइज उनका 60 पिक्सल हो जाए। मेरे पास जितनी भी हेडिंग्स हैं वो उनके फॉन्ट साइज 60 पिक्सल हो गया और उनकी टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो
सेंटर हो गया और जो फॉन्ट फैमिली है वो एरियल हो गई है। तो इसमें ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं और मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर हम सेम स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं।